इधर रुकमणी रो रही है, उधर उसने पत्र लिख करके भेजा है, और पत्र में क्या लिखा, लिख दिया और चंदाई ब्राह्मण को बुलाया और चंदेली में पत्र पहुंचा दिया। चंदेली में बताया तो दूल्हा बनने के लिए जब शिशुपाल अपनी भाभी के पास में गए, और भाभी के पास में जब शिशुपाल पहुंचे हैं, एकदम से भाभी सजाए के बोले, भाभी कुछ लड़कियां बुलाया, गीत गाओ, आज हमें दूल्हा बनेंगे। दूल्हा? हाँ। लला जी बता, लगन में टीका डाल तो दूल्हा। आजकल सब ऐसा ही होता है। जी बता लला देवर? हाँ। ब्याह करवे पुरे के संग जा रहे हैं? वो नहीं है, हमारी बहन की नंद है। रुकमणी? रुकमणी। तुम्हारी बहन की नंद? हाँ। वो कौन है? केले भाई के ना भाई। अब बहन हुई, ऐसे बहन देखे तो शादी होना बंद हो जाएंगे। लला देवर भाभी सवाल कम काम ज्यादा, दूल्हा बना। लला देवर तू तो चढ़ गया, तो तलवार दिख रही है, नहीं लगा फुटबॉल की तरह गर्दन बाहर होगी, नहीं लगा दूल्हा बना दे तलवार में लगा दूल्हा कट। आज अब इतनी बात कही, भाभी दूल्हा बनाने लगी है, और कुछ कहते जाते हैं दूल्हा बनाते जाते हैं। आले धरो शीश पे सहलारी और छीक हुई गई
तब तक छत्र पे बिलैया रोन लगी और भाभी बोली एक बोली सुसपाल सर पर देखते हैं तो सहरा भी है, गले में देखते हैं तो हार भी है, हाथों में देखते हैं तो कंगन भी है, लेकिन आंखों की तरफ देखते हैं तो ये लगता है कि काजल नहीं लगा। एकदम भाभी पर चढ़ बैठो, कभी छोड़ दे तुमने, अब डरप डरप के भाभी बिचारी काजल लगाते जाते हैं और कुछ काती जाते हैं और के नैन दिखाई रही बट्टा सीसा कछ ठाड़ी गाय रही जैसे ही काजल लगाया है सुसपाल को भाभी ने सुगुन हो रहे हैं लेकिन वो ना रुक रहो। ब्याह के चक्कर में तैयार हुआ ससुपाल के मौसी के लड़का था तंत्र मंत्र उसने सेना को सजाया। और जैसे ही सेना को सजाया तो क्या किया
भोल लगे अथवाती मंजिल कर सबजने तीन तीन चच्चा पानी पी चुके और हम चिल्ला रहे हैं, हमारी जीव चिपट जाते ऊपर नीचे लपका सुमार रही है। अब बैठ ही रहो, दर नाज न हुआ जो आओ यहाँ तो जे कपास हमें दासू अम्मा आए गई। अब जब दूसरे काम में जाते हैं तो माँ का बेचारी देख रही है, लेकिन हाँ इतनी तो है कि दूसरे काम में जाते हैं तो माँ कहबे की जरूरत ना है पत्ते, क्योंकि ब्यास की एक इज्जत जो बाहर होती है वो अलग ही होती है। माँ निरी अम्मा मिलती है, माँ अम्मन की कमी है, जा गांव में जाओ रोटी खाए भी जाओ, घर में टुकरिया हुए वो अम्मा ही है, अपन ही अम्मा तो जाते वे सेवा करते हैं खूब, पीठ पे हाथ फिराए मुड़ पे फिराए टुकरिया को पड़ो, मतलब हमें माताओं का आशीर्वाद बाहर मिलता है। निरी आती हैं और खूब पीठ पे हाथ फिराती हैं, हम क्या करें बाहर जाके हाथनों के अलावा क्या है। प्रेमी सज्जनों आज जैसे इधर रुकमणी रो रही है उधर कुंदनपुर में ससुराल आ गए दूल्हा बन के। रुकमणी ने देखा कि हमारे भाई का साला आ गया है, अब इतनी देर जब बही तो रुकमणी रोने लगी, रो रही थी तो ब्राह्मण देवता आ गए, बोले बेटी क्यों रो रही है। सारा हाल बताया कि पंडित जी हमारी बहन हमारे भाई का साला हमें लेने आया है, हमारा मन है कि हमारी शादी कन्हैया से होती। बोले कन्हैया कन्हैया तूने कहाँ देख ले, कब हूँ आए हूँ ना कन्हैया तो देखे कहाँ, तो समझाए कि एक बात कही रुकमणी बोली बाबा जी मैंने सपने पंडित जी आज क्या किया पंडित जी को पाती लिख के दे दी। ब्राह्मण देवता आज जब द्वारका के लिए चलने को तैयार हुए, जब द्वारका में जाकर जब पहुंचे थक गए चलते चलते, तो उन्होंने क्या किया